Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn the difference between my, mine, your, yours, our, ours, their, theirs, is, her, hers, it, its. Friends, आज के इस वीडियो में हम बहुत दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं और अक्सर स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक खास बात बता दूं कि जब मैं स्टूडेंट था तो यह लेसन मुझे कई बार पढ़ने के बाद समझ में आया, यानी मैं भी इस लेसन में थोड़ा कंफ्यूज था। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि माई और माइन का क्या यूज है, योर और योर्स का क्या यूज है। इतना तो जाहिर है फ्रेंड्स कि जो मीनिंग माई का होता है वही मीनिंग माइन का भी होता है, यानी माई मीन्स मेरा तो माइन मीन्स मेरा, योर मीन्स आपका तो योर्स मीन्स आपका, आवर मीन्स हमारा, आवर्स मीन्स हमारा, देयर मीन्स उन लोगों का तो theirs means उन लोगों का, his means उसका, his means उसका, hers means उसकी तो hers means उसकी, its means इसकी तो its means इसकी, यानी इन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि वो कैसे समझें कि अगर कहीं मेरा लिखा है तो उनको माई लिखना चाहिए या माइन लिखना चाहिए, अगर कहीं तुम्हारा या आपका लिखा है तो उनको योर लिखना चाहिए या योर्स लिखना चाहिए, अगर वहां हमारा लिखा है तो उनको अवर लिखना चाहिए या अवर्स लिखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत आसान कंसेप्ट है, थोड़ा सा केयर कीजिए। अगर आपके सेंटेंस में कहीं मेरा लिखा हुआ है तो फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि वहां पर माई और माइन दोनों में से कोई यूज हो सकता है। लेकिन उसका कंडीशन ये है फ्रेंड्स, अगर मेरा के बाद कोई भी नाउन आया है, यानी कोई आदमी का नाम, जानवर का नाम, सामान का नाम, किसी परिंदा का नाम, किसी जगह का नाम आया है, तो फ्रेंड्स मेरा के लिए हम माई का यूज करेंगे, यानी हम इस ग्रुप का यूज करेंगे और इस ग्रुप को हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां मेरा लिखा हुआ है और मेरा के ठीक बाद एक नाउन आया है, कलम, यानी किसी सामान का नाम है। तो जब ऐसी हालात हो, कहीं मेरा लिखा और उसके बाद एक नाउन आ जाए, कहीं तुम्हारा लिखा और उसके बाद एक नाउन आ जाए, कहीं हमारा लिखा और उसके बाद एक नाउन आ जाए, उन लोगों का लिखकर कोई नाउन आ जाए, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, यानी आप इस कॉलम का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है दिस इज माय पेन, मैंने यहां मेरा के लिए माय का यूज किया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कोई एक ऐसा सेंटेंस मिलता है जहां मेरा लिखा है लेकिन मेरा के बाद कोई नाउन नहीं आया, जैसे आप देखिए यहां पर मेरा लिखा हुआ है लेकिन मेरा के बाद कोई नाउन नहीं है, यहां पर कोई भी आदमी का नाम, जानवर का नाम, परिंदा का नाम, सामान का नाम, जगह का नाम नहीं है, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स आप मेरा की अंग्रेजी माई नहीं लिख सकते, यानी आप पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, आपको इस कॉलम का यूज करना होगा जिसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी आपको माई की जगह पर माई लिखना होगा। अगर यहां पर तुम्हारा लिखा है और तुम्हारा के बाद कोई नाउन नहीं है तो फिर आप तुम्हारा के लिए योर नहीं बल्कि योर्स लिखेंगे, अगर यहां पर हमारा लिखा रहता और हमारा के बाद कोई नाउन नहीं है तो आप हमारा के लिए अवर नहीं बल्कि अवर्स लिखेंगे, अगर यहां पर उन लोगों का लिखा है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आया तो आप उन लोगों के लिए देयर नहीं बल्कि देयर्स लिखेंगे, अगर यहां पर उसका आया या उसकी आया और उसके बाद कोई नाउन नहीं आया तो आप हर की जगह पर हर्स लिखेंगे। जरा आपको यहां बता दे फ्रेंड्स, हिज और हिज दोनों फॉर्म में एक ही जैसा होता है, तो हिज में स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने मेरा के लिए माई लिखा है, क्यों? क्योंकि मेरा के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। फ्रेंड्स, जब मैं ये बात क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा के पहले तो नाउन आया है, जैसे आप देखिए कलम, तो मैं कहता हूं कि मैंने आपको क्या बताया कि मेरा के बाद नाउन आना चाहिए, पहले आया है कि नहीं आया है इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी अगर मेरा के पहले नाउन है या नहीं है उससे हमको कोई जिक्र नहीं है, हमें ये गौर करना है कि मेरा के बाद नाउन है कि नहीं,
हमारा के बाद नाउन है कि नहीं, तुम्हारा के बाद नाउन है कि नहीं, उसका के बाद नाउन है कि नहीं, उन लोगों के बाद नाउन है कि नहीं। अगर आंसर मिला कि नाउन है तो आप यूज करिए माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर, इट्स। अगर आंसर मिले नहीं, उसके बाद तो कोई नाउन नहीं है, तो आप यूज करिए माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स यहां मैंने दो एग्जांपल लिखा हुआ है और पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप सोचें कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और फिर जब मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा तो आप जज करें कि क्या आपने सही सोचा। अगर हाँ तो फिर आप इस लेसन को समझ चुके हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, वह घर आपका है। सोचें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, वह आपका घर है। तो आप दोनों का आंसर सोचें फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। वह आपका घर है, यहां आपके के बाद कोई भी नाउन नहीं है। जैसा कि आप देखिए यहां पर कोई नाउन नहीं है तो इसका आंसर होगा दैट हाउस इज योर्स। चूंकि इसके बाद नाउन नहीं है इसलिए आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, आप लिखेंगे योर्स। लेकिन फ्रेंड्स वह आपका घर है, यहां आपका के बाद कोई नाउन आया है और वह नाउन है घर। तो जब मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी के बाद नाउन आता है तो हम इस कॉलम का यूज करते हैं और हम यहां पर यूज करेंगे योर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ दैट इज योर हाउस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप यही सोचे होंगे। अगर वाकई आपको ये लेसन समझ में आया तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। फ्रेंड्स और वो सवाल है, वह लड़का आपका है। और हमारा दूसरा सवाल है, वह मेरा आम है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दोनों का सही आंसर क्या होगा। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे कॉन्फिडेंस के लिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए रोज एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।